हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में स्प्लिट स्क्रीन कैसे इनेबल करेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल सिंपल इजी इजी स्टेप बताएंगे, आपको देखना है और फॉलो करना है। वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड, आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ़ोन में सेटिंग, यहाँ पर आपको थ्री बटन नेविगेशन पे क्लिक कर लेना। यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फिर आप विंडो, तो यहाँ पर क्लिक कर लेना। जिस प्रकार आप अपने फ़ोन में, यहाँ से अपने फ़ोन में जैसे भी एप्लीकेशन आपको चाहिए आप यहाँ से ओपन कर लेंगे। जैसे कि आपको अपने फ़ोन में बहुत सारी एप्लीकेशन देखने को मिलेंगी, तो यहाँ से आप अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। जैसे कि आपको अपने फ़ोन में मैसेज पर क्लिक कर लेना। यहाँ से हमारे फ़ोन में मैसेज ओपन हो चुके हैं, यहाँ से आप अपने फ़ोन में मैसेज पढ़ सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। जो भी आपको मैसेज चाहिए आप यहाँ से इस प्रकार अपने फ़ोन में मैसेज, यहाँ से आपको बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन ओपन करें, जैसे कि आपको यूट्यूब ओपन करना है तो आप यहाँ से अपने फ़ोन में यूट्यूब चला सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपने फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपने फ़ोन में स्प्लिट स्क्रीन इनेबल करेंगे। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो। अगर कोई अदर एप्लीकेशन भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपने फ़ोन में कोई अदर एप्लीकेशन भी ओपन कर लेंगे। तो इस प्रकार आप अपने फ़ोन में स्प्लिट स्क्रीन इनेबल करेंगे। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।